हेलो फ्रेंड्स, इन दिस सेशन वी डिस्कस इफ इल्स स्टेटमेंट। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, इसका प्रोग्राम हम किस तरह से राइट करते हैं। तो वीडियो पे पूरा जरूर बने रहिएगा। द इफ इल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन टू द इफ स्टेटमेंट विच यूज अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। जो इफ इल्स स्टेटमेंट है ये इफ स्टेटमेंट का एक्सटेंशन स्टेटमेंट है। इसका यूज हम एक अलग से ब्लॉक ऑफ द कोड बनाने के लिए करते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट का। इफ स्टेटमेंट के साथ हम एक इल्स वाला पार्ट भी लेते हैं इस स्टेटमेंट में। इल्स ब्लॉक, जो इल्स ब्लॉक होता है हम कहाँ पर राइट करते हैं, द इल्स ब्लॉक इज एक्सिक्यूट इफ द कंडीशन इफ ब्लॉक इज फॉल्स। तो जो इफ वाला ब्लॉक होता है वो अगर फॉल्स है तब जाके इल्स वाला जो ब्लॉक है वो एक्सिक्यूट होता है। इसे हम सिंटैक्स के माध्यम से समझ लेते हैं तो अच्छे से हमें समझ में आएगा कि ये है क्या, इसका यूज हम किस तरह से करते हैं। इफ इल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, इसका यूज हम किस तरह से करते हैं, सिंटैक्स के माध्यम से समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। इफ कंडीशन, इफ के साथ आपको मैंने बताया कि हम कंडीशन राइट करते हैं जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है। तो इफ, और ये कौन सा कहलाया है, ब्लॉक ऑफ द कोड कहलाया जहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है। जो स्टेटमेंट है ये कब एक्सिक्यूट होगा, जब जो हमारा इफ वाला कंडीशन है ये ट्रू होगा तब जाके स्टेटमेंट फर्स्ट ये एक्सिक्यूट होगा। और ये इल्स पार्ट, इल्स पार्ट कब एक्सिक्यूट होता है, एक्सिक्यूट व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। जो इफ वाला कंडीशन है अगर ये फॉल्स हो जाता है तब जाके हमारा इल्स ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा और जो यहाँ पास स्टेटमेंट रहेगा वो प्रिंट होगा। इसे हम एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो इफ इल्स स्टेटमेंट के लिए हम एक प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी यहां राइट कर चुका है, बस आप लोग को समझने की देरी है। पब्लिक क्लास स्टूडेंट, जो प्रोग्राम का नेम है वो है स्टूडेंट। मेन मेथड क्रिएट कर रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। तो मेन मेथड के अंदर हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं और वहाँ वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो इंटीजर टाइप से मैं डेटा टाइप ले रहा हूँ जहाँ पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। तो एक्स में कितनी वैल्यू जो है 10 स्टोर हो रही है, वो एक्स की वैल्यू 10 स्टोर हो रही है और जो वाई की वैल्यू है वो है 12। अब इफ इल्स स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, इफ वाला पार्ट लेते हैं और इल्स वाला। तो इफ वाले पार्ट में हम कंडीशन राइट कर रहे हैं एक्स प्लस वाई जो है लेस देन है 10 से। ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया जो कंडीशन को चेक कर रहा है या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो इफ वाले ब्लॉक में हम फर्स्ट स्टेटमेंट राइट कर रहे हैं। स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट डबल डॉट। डबल कोड में हम एक्स प्लस वाई इज लेस देन 10, जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है ये ट्रू है। एक्स प्लस वाई का जो आंसर आ रहा है, एक्स प्लस वाई की जो टोटल वैल्यू है वो 10 से लेस देन है, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है तब जाके हमारा ये इफ वाला ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा और जो इसका स्टेटमेंट है वो हमें डिस्प्ले होगा। अगर जो हमारा इफ का जो कंडीशन है ये अगर फॉल्स है तो ये इल्स वाले इस पार्ट में चला जाएगा और इल्स वाले ब्लॉक का जो कोड है वो एक्सिक्यूट हो जाएगा और जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ रहेगा वो प्रिंट होगा। तो इसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसमें क्या मैसेज है, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। तो जो एक्स और वाई का जो एड है सम है वो 20 से बड़ा है, अगर जो इफ वाला कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा तब हमारा इल्स पार्ट का जो कोड है वो एक्सिक्यूट होगा। तो हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है 10 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 12, तो इस दोनों का यो कितना आ रहा है 22। 22 जो है क्या 10 से लेस देन है, नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया। तो ये इफ वाला जो ये कोड है ये एक्सिक्यूट नहीं होगा और सीधे यहाँ से चला जाएगा इस इल्स वाले पार्ट में और इस वाले कोड को ये एक्सिक्यूट करेगा और जो मैसेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं ये डिस्प्ले होगा, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। जो एक्स और जो वाई का जो एड है वो 20 से ग्रेटर देन है तो ये मैसेज हमें डिस्प्ले होगा। अगर सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पास एक्स की जो वैल्यू है ये 2 है और वाई की जो वैल्यू है यहाँ पास 5 है, तो दोनों का एडिशन कितना होगा 7 आया। तो 7 जो है लेस देन है 10 से, यस कंडीशन जो है यहाँ पास ट्रू है, तो ये
इफ वाले इस ब्लॉक ऑफ द कोड को एक्सिक्यूट करेगा और यहाँ पास जो भी स्टेटमेंट है इसको डिस्प्ले करेगा। तो अगर हम एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो इसका एडिशन आ रहा है 7, तो अब जाके जो ये कंडीशन है ये हो रहा है ट्रू, तो ये इफ वाला ब्लॉक ऑफ द कोड एक्सिक्यूट होगा और एक्स प्लस वाई इज लेस देन 10, तब जाके ये मैसेज डिस्प्ले होगा।